हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक 13 प्रो मैक्स आया हुआ है। तो ये कैसे आया हुआ है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये डिवाइस है, ओके, ये एक डिवाइस ऐसे आया हुआ है और ये सारा सामान ऐसे आया हुआ है। देखिए ऐसे, पता नहीं किसने क्या किया है। देखिए फ्लेक्स वगैरह, ये कैमरा है, ओके, तो ये पूरा कटवट है और आया भी, मतलब ये है तो कैमरे की वजह से ही आया होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे है ना, जैसे ही हम लोग जस्ट सेटिंग ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे इम्पोर्टेड कैमरा मैसेज आ रहा है। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इम्पोर्टेड मैसेज होता क्या है। तो एप्पल ने आईफोन एक्सेस से ऐसा स्टार्ट किया है कि अगर बैटरी चेंज होगी तो बैटरी का मैसेज आ जाएगा। 12 सीरीज से ऐसा किया हुआ है कि डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा कुछ भी चेंज होगा तो उसका मैसेज आ जाता है ना। तो हम लोग इसका मैसेज निकालना चाहते हैं, लेकिन इसका ओल्ड कैमरा रीड होगा तब तो हम मैसेज निकालेंगे, लेकिन काम तो करना ही है। तो हम इसको, इसके ओल्ड कैमरे का डेटा चाहिए, वो कहाँ होता है, तो वो इसके हार्ड डिस्क के अंदर होता है। तो पहले इसको हम ब्रश करेंगे, इससे ये अनबाइंड हो जाएगा और अनबाइंड होने के बाद फिर इसका जो नया कैमरा है उसके अंदर इसका डेटा राइट करेंगे। इसके लिए हम लोग JC V1S Pro का या JC V1SC का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि दो तीन चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे कि आपके फ़ोन में जो वर्ज़न है, आप जाके सेटिंग में जाना है। आपने सेटिंग में जाएंगे और इसमें जो 17.2.1 है वो आपके पास होना चाहिए। हम ब्रशिंग का जो तरीका है वो देखेंगे। आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ये हमारा 3U टूल है। 3U टूल में यहाँ पे भी देखिए iOS वर्जन जो है वो 17.2.1 है, ओके। तो आपने JC ओपन कर लेना है, हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। तो आपको यहाँ रीड फोन पे ओके करना है। जैसे ही आप खोलोगे ऐसा इंटरफेस मिलेगा, तो आपने ना रीड फोन पे ओके करना है। रीड फोन पे जैसे ही आप ओके करोगे तो ये सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आप देखिए तो ब्रशिंग लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप ब्रशिंग पे ओके करोगे ऐसा कुछ आपके सामने एक विंडो और ओपन होगा। ये बोलता है कि आपका डेटा वगैरह सब चला जाएगा, तो जाएगा ही डेटा, बिकॉज इसका जो iOS है वो ब्रश होगा, यानी अनबाइंड होगा फ़ोन। तो हमने स्टार्ट प्लेसिंग एंड अनबाइंड पे ओके करेंगे तो एक और विंडो ओपन होगा। यहाँ से आपने फाइल का पाथ देना है, पाथ कहाँ पे। तो हमारी फाइल जो है वो सी ड्राइव में 3U टूल के अंदर सेव है। तो ये 3U टूल में गए, यहाँ फर्मवेयर में जाएंगे। ये देखिए, हाँ, ये इसका जो है प्रोडक्ट टाइप है 14.3 और ये इसका iOS वर्जन है 17.2.1। इसको हम ओपन करेंगे और हमारा यहाँ पे जो वो ब्रशिंग है वो अब स्टार्ट होगा। अब देख सकते हो कंप्यूटर स्क्रीन पे कि फ़ोन अब डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब ये iTunes मोड की तरफ अब जा रहा है। यहाँ देखिए इस iTunes मोड पे आ चुका है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ओके। तब तक मैं आपको थोड़ा सा ब्रशिंग के बारे में बता देता हूँ। ये ब्रशिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपकी ओरिजिनल फ़ोन की कोई भी एक्सेसरी ख़राब हो गई है और अगर आप दूसरा उसको लगाओगे तो उसका इम्पोर्टेड मैसेज शो करेगा कि एप्पल के थ्रू वेरीफाइड नहीं है। तो अनबाइंड एक प्रोसेस ऐसा होता है कि जो iOS है उसी को ब्रश करके और फ़ोन के अंदर डालते हैं। उससे क्या होता है, जो उसका MTSN या जो उसका सीरियल नंबर होता है, जो जैसे कि अभी ये ओल्ड कैमरे का जो सीरियल नंबर है वो फ़ोन से हमें मिल जाता है। समझ में आया, मतलब अनबाइंड करने का रीज़न ये है कि जब भी आपकी कोई भी जो एक्सेसरीज है, लाइक आपका बैक कैमरा हो गया या आपका फेस आईडी फ्लेक्स हो गया या फेस आईडी की जो IC होती है वो सारी, अगर उसमें कुछ ख़राब हो गया है और हम रीड नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ब्रश करके उसका डेटा मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और हम देखते हैं पूरी प्रोसेस को। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि ये फ़ोन जो है अनबाइंड हो चुका है और यहाँ पे iTunes मोड है। और आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फोन इज़ इन रिकवरी मोड एंड नीड टू बी अ फ्लैशेड यूजिंग अ सॉफ्टवेयर टू रिस्टोर द फोन टू नॉर्मल मोड। अगर आपको इसको नॉर्मल मोड में लाना है तो आपको किसी सॉफ्टवेयर से फ्लैश करना पड़ेगा। तो किसी सॉफ्टवेयर या आप iTunes से कर सकते हो या तो 3U टूल से कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ 3U टूल में गए और ये रिकवरी मोड में है, इसको गो फ्लैश देंगे। ये वाली फाइल जो है वही वाली सिलेक्ट करेंगे
और क्विक फ्लैश पे यहाँ ओके करेंगे और फ्लैश कर देंगे। इसमें भी बहुत टाइम लगने वाला है तो इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैश हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारा फ़ोन है ना अनबाइंड हो गया, तो अभी हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हमें ज़रूरत पड़ेगी V1S Pro जो प्रोग्रामर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम क्या करेंगे कि एक USB हमने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है, ये USB को हमको फ़ोन में कनेक्ट करना है जिससे कि हमें ओल्ड कैमरे का डेटा मिलेगा। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, ट्रस्ट मांगेगा तो ट्रस्ट देना है, नहीं तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। देखिए पूरा आ गया है, ओके। अब आपने क्या करना है, यहाँ बाउंड स्टेटस पे नहीं बता रहा कुछ मतलब, बट हमारा फ़ोन बाइंड हुआ है तो हम इसको रिफ़्रेश करेंगे एक बार। यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे रिफ्रेशिंग क्राउड लिखा हुआ आ रहा है, ओके। रिफ़्रेश होगा तो यहाँ पे अनबाउंड आ जाएगा। देखिए अनबाइंड ओके सिंबल आ गया है, ठीक है। अब क्या करना है, तो जो हमारा ये जैसी टैग हमने इसके अंदर लगा रखा है, ऐसा टैग आता है, इसका टैग हमने इसमें कैमरे में जोड़ रखा है। इसको क्या करेंगे, सिंपली ये 13 Pro 13 Pro Max में जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे इसको प्लग इन करेंगे। जैसे ही आप प्लग करोगे यहाँ पे डिटेल आ जाएगी पूरी, आ गई। अब कुछ नहीं करना है, क्लाउड बर्न करना है। क्लाउड बर्न में यहाँ पे डेट और टाइम सब कुछ आ जाता है, सिलेक्ट करके ओके कर देना इसको बस, और ये ओके। अब ये बर्निंग राइटिंग स्टार्ट हो गया, इसका राइट सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। अब आप इसको जैसे ही रीड और डिटेक्ट करोगे, देखो रीड किया मैंने, अब यहाँ पे जो BCMS है वो आ जाएगा ऑटोमेटिक, BCMS आ गया, ठीक है। अब हम इसको फ़ोन में लगाएंगे, ओके। इसको फोल्ड करना पड़ता है, तो कौन सा मॉडल का फ्लेक्स कैसे फोल्ड होता है, ये JC ID की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, वीडियोज़ हैं कि कौन सा फ्लेक्स कैसे फोल्ड होता है, तो हम फोल्ड करके डायरेक्ट अंदर लगा के आपको दिखाते हैं, ओके। तो हमने ये टैग को फोल्ड करके इसके अंदर लगा दिया है, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये टैग को ऐसे फोल्ड करके इसके अंदर लगाया हुआ है, ओके। अब इस पर शील वगैरह लगा के पैक कर देंगे, फिटिंग कर देंगे। फिटिंग का वीडियो क्या दिखाएं, तो आप देखिए इसमें जो कैमरा है वो चल रहा है, ओके। जैसे 0.5x हो गया, 1x हो गया, 2x हो गया, सारा चल रहा है, फोकस कर रहा है, हर चीज़ है, ओके। और इसके अंदर अभी कोई भी मैसेज नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ रहा था, अंदर अबाउट में भी आ रहा था, अब कोई मैसेज नहीं है, मैसेज रिमूव हो गया है और कैमरा भी प्रॉपर चल रहा है। वो फ्लेक्स कैसे लगाया जाता है वो JC की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो वीडियो अवेलेबल है, ऐसा है, तो मैं आपको उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं वो आपको लिंक दे दूंगा, और आप देख लेना कि वो फ्लेक्स कैसे फोल्ड करके और लगाया जाता है। प्यारी समझ गई, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय।